हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दिखाने जा रही हूँ अरवी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। देखिए, ये है अरवी। ये अरवी जो होती है इसको कपची भी कहते हैं, अरवी भी कहते हैं और इंग्लिश में टैरो भी कहते हैं इसको। ये जो है रूट वेजिटेबल है। ये ज़मीन के अंदर फलती है तो गंदी लगती है, मिट्टी वगैरह ज़्यादा इसके अंदर लगी रहती है और इसको छूने से खुजली भी हो जाती है। ये हमारे यहाँ गर्मियों में मिलती है। ये जो है गर्मी में जो इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो उसको बूस्ट करती है और भी कई समस्याओं में राहत पहुंचाती है। तो ये ज़मीन के अंदर होने से तो गंदी है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं इस पर चमकती हुई पानी की बूंदों को तो आप लोगों ने देखा ही। वैसे पत्ते काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और पत्ते की भी सब्ज़ी बनाई जाती है, पकौड़ी वगैरह बनाई जाती है। तो ये देखिए, इसको ना छीलना नहीं है, इसको सिर्फ हल्का सा स्क्रैच करना है इस तरह से इसको। और हाँ, स्क्रैच करने के पहले हाथों में तेल लगा लेना है, नहीं तो इसके जब छींटे पड़ेंगे छिलने से उससे हाथों में बेइंतहा खुजली हो सकती है। किसी किसी को तो बर्दाश्त हो जाता है। उसके अलावा आप ध्यान रखिए कि मुंह नाक पे ना पड़े, जहाँ जहाँ इसका छींटा पड़ेगा उस वहाँ पे खुजली हो सकती है, इसलिए हाथ में कड़वा तेल लगा लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इसको खखोड़ लिया है, यानी कि स्क्रैच कर लिया है। अच्छे से स्क्रैच करके इसका यहाँ पर टिप है, थोड़ा सा टिप काट देंगे और यहाँ पे इसका मुंह है, थोड़ा सा मुंह काट देंगे। इसको ज़्यादा देर नहीं खुला छोड़ना, नहीं तो ये ब्राउन कलर की होने लगती है। अब इसके साइड अभी इस तरह का निकला हुआ, तो इसको फेंकना नहीं है। छिलने में प्रॉब्लम होगी तो इसको तोड़ देना है और इसको फिर अलग से भी छील लेना है, इसको बर्बाद नहीं करना है, इसको भी छील लेना है। तो ये मैंने इसको छील लिया है। ये जो है बहुत सारी बीमारी से भी फ़ायदा पहुँचाता है। इसमें जो है विटामिन ए, सी, ई, बी सिक्स, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब मिलता है और गर्मी में इसको खाने से बहुत फ़ायदा होता है। अब मैंने देखिए अरवियों को छील लिया है। छीलने के बाद आप चाहे तो इसको कई अलग अलग शेप में काट सकती हैं, तो मैं इसको काट रही हूँ। देखिए अभी गोल गोल भी इसको एक एक इंच के टुकड़े में काट सकती हैं, ऐसे गोल भी काट सकते हैं इसको और इस तरह से बीच से काट के लंबा लंबा भी काट सकते हैं। जैसे ये गोल था, इसको बीच से काटा तो ये इस शेप में भी काट सकते हैं और चाहे तो इस शेप में भी काट सकते हैं लंबा लंबा। ये देखिए लंबा लंबा भी काट सकते हैं लंबाई में। देखिए ये बहुत ही लीजी होती है, इसको धोने में भी ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। देखिए इस तरह से लंबा लंबा भी काट सकते हैं। तो ये हो गई भिंडी की कटिंग। अब ये सारी कट गई है फिर अरवी, तो इसको मैं प्याले में कर रही हूँ क्योंकि मेन चीज़ इसका धोना ही है। धोने के लिए इसमें नमक डालना होता है। नमक डाल दिया थोड़ा सा, एक चम्मच, स्वाद के लिए अनुसार नहीं, बस धोने के लिए एक चम्मच नमक ले लिया। ज़रा सा डाला पानी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाला। इसमें ढक्कन लगाया और इसको इस तरह से करके इसको हिलाते हैं। इसको ना ऐसे ऐसे हाथ से करके नहीं धोना, नहीं तो खुजली से प्रॉब्लम होगी। जिसको इस तरह से काफ़ी देर तक खिलाते हैं तो इससे क्या होता है, इसका लीलीलापन निकल जाता है। देखिए ये मैंने इसको हिलाया, तो हिलाने से देखिए इसे पूरा इसका तार छूटने लगा है। और इस मिट्टी के अंदर रहने वाली सब्ज़ी है तो इसको बहुत सफाई से धोना पड़ता है ताकि मिट्टी का अंश इसमें ना रह जाए। और थोड़ा ही देर छोड़ने पर यह जो है ब्राउन कलर की होने लगती है इसकी स्किन। ये सब ध्यान रखना है, थोड़ा जल्दी ही कर लें इसको। इसको मैं थोड़ी देर और शेक कर देती हूँ। इसकी असली कला इसके धोने में है, क्योंकि इस तरह से हाथ तो लगा सकते नहीं, चम्मच से धोना है और उसमें गंदगी ज़्यादा रहती है, मिट्टी के अंश रहते हैं। तो देखिए मैं इसको बिना हाथ लगाए मैंने इसका पानी गिराने की कोशिश की है। इसमें फिर से पानी डाला और चम्मच या किसी चीज़ की सहायता से इसको फिर से हिला दिया है ताकि सारा गंदगी निकल जाए। और फिर इसकी ढक्कन लगा के इसको ऐसे छान रहे हैं ताकि इसमें हाथ ना लगाना पड़े। सारा सावधानी इसकी धुलाई में ही करना है। इस तरह से मैंने इसको 5-6 बार धो लिया है और ये हो गई है साफ। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें 4 चम्मच के अंदाज में तेल डाल देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है मैंने मसाले निकाल लिए हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, मैंने 1 चम्मच का यूज़ किया है। तेल गर्म हो गया है, धुआं उठने लगा है तेल में से। सरसों का तेल में ही पकाना है, रिफाइंड में नहीं। अब मैंने तेल में डाल दिया है अरवी को
अरवी को डीप फ्राई नहीं करना है, मुझे लगता है तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है, मैं वीडियो बनाने आई तो लाइट ही ऑफ हो गई है। ये इसको अच्छे से 5 मिनट तक धीमी धीमी आँच पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि ये टेस्ट इसका और बढ़ जाए। इस तरह फ्राई करने से इसका जो लार निकलता है वो सूख जाता है और सब्ज़ी टेस्टी हो जाती है। आपने भाभी जी घर पर हैं सीरियल में तिवारी जी को हमेशा घुइयां की सब्ज़ी खाते हुए तो देखा ही होगा, ये वही घुइयां है। अब समझ में आया? तो 5 मिनट हो चुके हैं तो अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ, तेल एक्स्ट्रा है। तो सारी तली हुई घुइयां को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब जो बचे हुए तेल है इसमें से बहुत तेल एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको कम कर दिया है निकाल के। अब जितना ज़रूरत है उतनी तेल में ये मैंने डाल दिया मेथी दाना, इसको थोड़ा काला होने देंगे। यह होती है मेथी, देख लीजिए। तो मेथी काली हो गई है तो मैं इसको निकाल के फेंक दे रही हूँ, उसका फ्लेवर तो तेल में चला ही गया है। अब तेल में सारे मसाले डालना, 1 चम्मच अदरक प्याज और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पानी। मैंने फ्लेम को काफ़ी धीमा कर दिया था ताकि मसाले जले ना। अब इन मसालों को अच्छे से भून लेना है 5 मिनट तक ताकि ये तेल छोड़ दें। तो जब तक मसाले भून रहे हैं मैं काट लेती हूँ ये आम। ये आम मैं डालूँगी थोड़ी सी फाके, पूरा नहीं कुछ फाके, इसका बारीकपन कम करने, क्योंकि अरवी ना पेट में गैस बनाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा आम का खट्टा डालूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं और मसाले से तेल छूटना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी जितना शोरबा चाहिए। स्वाद अनुसार नमक। अब मसालों में उबाल आ गया है, अब इसमें जो तल के रखा था उसको डाल देना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको पका लेना है। आप चाहें तो इसको कुकर में ही 2 सीटी लगा के गला सकती हैं और नहीं तो ऐसे ही कढ़ाई में। तो जब गले में आ जाए तो मैं छोटा सा आम का टुकड़ा इसमें डाल रही हूँ ताकि इसमें हल्का सा खट्टापन आ जाए, इसका टेस्ट और बढ़ जाए। ये थोड़ा सा फिर भुनने लगी है, पानी कम हो रहा है। मैं जितना शोरबा चाहिए, ये मैंने बनाई है अरवी की शोरबेदार सब्ज़ी। ये सूखी भुजिया ही बनाई जाती है, 2 तरह से बनती है, सूखी भाजी और शोरबेदार सब्ज़ी। तो ये शोरबे वाली है तो मैं इसमें शोरबा डाल रही हूँ, पानी थोड़ा और डाल रही हूँ जितना शोरबा चाहिए। और ये स्वादिष्ट घुइयां की सब्ज़ी, अरवी की सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वादिष्ट सब्ज़ी हो गई है तैयार। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, मैं इसको खाने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।